हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस सोल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हेल्प करेगी आपके वेट रिड्यूस करने में। साथ ही साथ ये जो रेसिपी है आप पूरे दिन में कभी भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, कभी भी बनाकर आप खाएंगे। ये बहुत हेल्प करती है आपके वेट को रिड्यूस करने में। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ आगे भी शेयर कर सकूँ दोस्तों। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कीनुआ सीड्स चाहिए दोस्तों। ये सीड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो कीनुआ है वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, आपकी भूख को रिड्यूस करता है, एंड ये ग्लूटेन फ्री है तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, ये वेट रिड्यूस आपका बहुत ही फास्ट करता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल कीनुआ चाहिए, एंड आपको इस कीनुआ को अच्छी तरह से 2 से 3 बार साफ पानी में धो लेना है। ध्यान रखिए, ये स्टेप बहुत कंपलसरी है, आपको इसे अच्छी तरह 2 से 3 बार पानी में वॉश करना है दोस्तों। एंड वॉश करने के बाद आप इसे छलनी से छान लीजिए, एंड जितना भी गंदा पानी है आप उसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद इसे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए छोड़ देना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। जब आप 30 मिनट बाद फ्रेंड इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, एंड जब आप इसे छान लेना है, अब आपको इसको अच्छी तरह से इसका जितना भी वाटर है वो पूरा ड्रेन कर देना है, एंड आपको इसको छलनी में छान कर रख लेना है दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन हो गया है, एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर 30 मिनट पानी में रखने के बाद। इसको बनाने के लिए आपको एक पैन में, या तो आप 1 चम्मच घी ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसमें आप जीरा जो होता है घर में वो आप डाल दीजिए, एंड जो वेजिटेबल हैं आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मटर, शिमला मिर्च, बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गाजर और टमाटर ही ऐड कर रही हूँ, एंड हरी मिर्च। तो आपको इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट चलाना है दोस्तों, एंड चलाने के बाद अब आपको इसमें जो कीनुआ सीड्स आपने छान कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट सिम आंच पर पकाना है इसी तरह से दोस्तों। एंड आप देखेंगे कीनुआ का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा जब आप इसे गैस पर पकाएंगे तो। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कीनुआ का कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया है, तो अब आप इसमें 1 ग्लास पानी डाल दीजिए, एंड 1/2 ग्लास पानी और डाल दीजिए, क्योंकि हमने 1 बाउल कीनुआ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 बाउल वाटर इसमें ऐड करना है, या फिर 1.5 ग्लास वाटर आप इसमें ऐड कर इसमें अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आपको इसे ढककर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए दोस्तों। जब 5 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा लग रहा होगा, एंड ये अभी अच्छी तरह पूरी तरह पका नहीं है, तो आप इसे फिर से ढककर रख दीजिए और 5 मिनट के लिए दोस्तों, एंड इसे आपको सिम आंच पर ही पकाना है दोस्तों। अब आपका कीनुआ पुलाव रेडी है, एंड देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये, एंड आप इसमें चाहें तो और भी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर सिंपल पुलाव की तरह से खाने वाली हूँ तो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं किए हैं, एंड देखिए कितना यमी लग रहा है ये अभी ही। एंड अब आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। एंड दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आगे भी अगर ऐसी रेसिपी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रेसिपीज़ मैं और आगे आपके साथ शेयर कर सकूँ दोस्तों। तो एक और सीक्रेट टिप वेट लॉस के लिए फ्रेंड, कि जब भी आप खाना सर्व करें तो हमेशा छोटी प्लेट में करें ताकि आप उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही वेट लॉस की आगे टिप्स के लिए और एक्सरसाइज वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके वीडियो के बाद आप मेरे एक्सरसाइज वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा घर पर ही आपका वेट रिड्यूस करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी,
और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।